हेलो जी, केम छो तमे। तो सावन बस आने ही वाला है, 22 तारीख से शुरू होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं कि शिव जी का क्या मैसेज है आपके लिए, क्या संदेश है ईश्वर का आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं ईश्वर आपसे, क्या संदेश है सावन का आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं। और ये एक जर्नल रीडिंग होने वाली है, तो ज़रूरी नहीं कि सबके साथ रेजोनेट हो। जिसके साथ रेजोनेट हो, जितना रेजोनेट हो उतना रखिए, बाकी का जाने दीजिए। तो यहाँ पर 5 नंबर दिए गए हैं, मैं यहाँ पर 5 कार्ड निकालने वाली हूँ। तो आप जो भी जिस भी भगवान को मानते हैं उनका नाम ले लीजिए। तो हर हर महादेव, जय महाकाल। तो यहाँ पर मैं 5 कार्ड निकाल देती हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो नंबर 1 जिन्होंने भी चुना है, देखते हैं कि महाकाल का क्या मैसेज है आपके लिए इस सावन महीने में। तो यहाँ पर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको उस चीज़ से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपने बहुत कुछ गलत किया है, जिसके वजह से आपको पछतावा हो रहा है। या हो भी सकता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन लोग आपको ऐसा रियलाइज़ करा रहे हैं कि आपने बहुत गलत किया है, जिसके वजह से लोग आपको परेशान कर रहे हैं या खुद भी आप परेशान हो रहे हैं। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम से आपको जल्दी से जल्दी बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो अब नंबर 2 देख लेते हैं क्या है। तो नंबर 2 यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ है। आप किसी चीज़ को लेकर अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर 50-50 का आपके लिए चांस रहेगा। या हो सकता है आप किसी काम में पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो आपको 50-50 का चांस रहेगा यहाँ पर। या किसी भी कोई अगर आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो उसमें भी 50-50 यानी कुछ 100-100 का चांस रहने वाला है आपके लिए। और हो सकता है कि किसी चीज़ में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, तो आप कर सकते हैं। नंबर 3 देख लेते हैं। तो यहाँ पर रीबर्थ है नंबर 3, यानी कि अब तक आप बहुत ज़्यादा परेशानियों से घिरे हुए थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन अब आपने उस परेशानियों से निकलने का सोच लिया है। अब आपका न्यू कह सकते हैं कि एक नया जन्म होने वाला है, यानी कि आप सारी परेशानियों को पीछे छोड़कर आगे निकलने वाले हैं। आप बिल्कुल, आपकी जो लाइफ है बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होने वाली है, चेंज होने वाली है। नंबर 4 देख लेते हैं। तो यहाँ पर नंबर 4 है द माइजर। तो यहाँ पर हो सकता है आप किसी चीज़ को लेकर थोड़ी कंजूसाई कर रहे हैं, चाहे वो काम में हो या फिर फाइनेंस में हो या फिर करियर में हो या रिलेशनशिप में हो। तो आपको उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। यहाँ पर कंजूसी आपको नहीं दिखाना है। भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, तो उसे बांटना सीखे, वो देने के भाव लाए अपने अंदर और उसे बांटना शुरू करें। जितना ही आप बांटेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अच्छे होते चले जाएंगे, आपको उतना ही ज़्यादा मिलता चला जाएगा। अंदर से प्योर सोल होते जाएंगे, खूबसूरत होंगे अंदर से, तो फिर आपको देने का भाव रखने की ज़रूरत है। तो नंबर 5 देख लेते हैं। तो नंबर 5 है यहाँ पर आउटसाइडर। हो सकता है कि आप कोई काम करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर आपको बस दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। बस आपको ऐसा लग रहा है कि दरवाजे बंद हो चुके हैं सभी तरफ से, बस आपको एक कदम उठाने की देरी है। आप जैसे ही अगला कदम उठाएंगे, सभी रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे, तो आपको बस एक कदम उठाने की देरी है। और ये जो बीच बीच में नॉइज़ आ रही है ना, ये पड़ोस के बच्चे खेल रहे हैं तो घर आ जा रहे हैं बार बार, तो उसकी वजह से ये बार बार साउंड आ रहा है। तो इसे इग्नोर करें, क्योंकि बच्चे हैं तो मैं मना भी नहीं कर सकती कि हम मत आके खेलो। तो प्लीज़ उसे इग्नोर करें, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो भी आपका क्वेश्चन हो आप लिख सकते हैं, और कॉमेंट में जय महाकाल, जय हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जो भी आपकी मर्जी हो आप लिख सकते हैं। तो सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय महाकाल।